हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं इंग्लिश की क्लास। और ये है 2 जनवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है उसकी क्लास है और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन का। तो नाउन का टॉपिक चल रहा है और नाउन को बेहद बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। और जैसा कि देखो थंबनेल पे आपको दिखाई दे रहा है कि पंजाब के सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबान क्लास है ये। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस क्लास को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जो बच्चों ने अभी तक हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है वो जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि ऑफ़र जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी फीस बहुत ज़्यादा कम है, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का तरीका आप सभी जानते हैं, अरोड़ा क्लासेस की ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको अपना फेवरेट कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। फेवरेट कोर्स सेलेक्ट करेंगे आप अपना, और उसके बाद पेमेंट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, पेमेंट करने से पहले आप एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, ARC212। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के फ़ायदे क्या हैं ये लास्ट में वीडियो में जाते जाते ज़रूर देखना। तो अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है बेटा जल्दी से अपना एडमिशन लेकर तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी हम चलते हैं क्लासरूम के अंदर, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, जाते जाते मैं इसके फ़ायदे बता के जाऊँगा, ज़रूर सुनना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं क्लास के बाद। हाँ जी, आवाज़ आ रही है बेटा? ऑनलाइन वालों मैसेज करो फटाफट से। क्या टॉपिक चल रहा था अपना, क्या स्टार्ट किया था? नाउन। क्या पढ़ा था नाउन में कल अपने ने? एक तो कल मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, और सेकंड मैंने आपको बताया था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एंड थर्ड आपको बताया था नाउन के टाइप्स। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी चीज़ें समझ में आ गई थी? चलो एक बार बताओ, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से बताए थे? हु, व्हाट और होम, ठीक है। अगर आप इन तीनों से क्वेश्चन करोगे तो जो भी आंसर आपको मिलेगा, आवाज सही आ रही है सबके पास? ठीक है, किन किन 3 वर्ड से? हु से, व्हाट से और होम से। तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वो क्या चीज होगी? नाउन होगी। कन्फर्म हो गया था? उसके बाद सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, कल कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन थी कि सर ये कौन सी नाउन है, इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे।
तो देखो इतना कोई चीजें आपको नहीं पूछी जाती पेपर में, पेपर में जो चीजें पूछी जाएंगी वो सारी आपको अभी समझ में आ जाएगी आज की क्लास के अंदर, ठीक है। तो कल हमने तीन चीजों पे बात की थी, आज हम नंबर फोर पे बात करेंगे। और नंबर फोर जो चीज है हमारी वो है कि देखो नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं काउंटेबल, क्या कहते हैं काउंटेबल, और दूसरी नाउन होती है जिसे हम क्या कहते हैं अनकाउंटेबल। कितने लोगों को काउंटेबल अनकाउंटेबल का मीनिंग पता है? कितने लोगों को पता है कि काउंटेबल क्या होता है अनकाउंटेबल क्या होता है? बस महिलाओं, किसी को नहीं पता? चलो सर आप बताओ क्या होता है काउंटेबल। हाँ जी, जिसको गिना जा सके वो क्या होता है काउंटेबल, और जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। सबको पता है? सबको? अगर मैं आपके सामने कोई नाउन लिख दूं तो आप उस नाउन को देख के बता सकते हो कि कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है? पक्का? सोच लो, बता दोगे? चलो फिर थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। ये लो, आपके सामने ये नाउन्स हैं, तो आपने इनमें से बताना है कि कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है। सबसे पहले बताओ स्टार। हाँ जी, काउंटेबल है? आप तो पहले में डिवाइड हो गए। चलो कोई बात नहीं, आसान कर देते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि काउंटेबल है वो हाथ ऊपर करो, जो कह रहे हैं कि स्टार काउंटेबल है। दे देंगे बेटा पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। और अब वो हाथ ऊपर करो जो कह रहे हैं अनकाउंटेबल है। करो करो, अरे कुछ नहीं होता, सिखाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। देखो मैंने आपको एक चीज कल भी बोली थी, एक चीज मैंने आपको कल भी कहा था, अरे आपस में बातें नहीं करनी, देख फिर मेरे अंदर वाला जानवर जाग जाता है। फिर देख पहले बता रहा हूं, बातें मेरे साथ करो। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि नाउन का टॉपिक पढ़ने वाला नहीं है, समझने वाला है। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको पता है ये चीज़, तो आप बताइए, क्योंकि जब जितना आप इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ, बातें करेंगे आपस में हम, उतना आपको कंफर्ट फील होगा। आप अपने दिमाग में अगर बातें रखोगे कि पता है कि नहीं पता, अगर पता है तो हम बता नहीं रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। दोबारा से ट्राई करते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि स्टार काउंटेबल है, सिर्फ हाथों पर करना है, जुबान नहीं चलानी? कितने लोग कह रहे हैं काउंटेबल है? अब कितने लोग कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल है? वेरी गुड, अनकाउंटेबल वाले ज्यादा हैं। चलो आपसे स्टार्ट करते हैं सर, क्यों है अनकाउंटेबल स्टार? आपने कभी तारे गिने? कभी छोटे होते हुए बचपन में गिने होंगे? ऐसा कोई बच्चा दुनिया इंडिया में तो पक्का नहीं है जिसने कभी तारे ना गिने हो। कभी याद करो बचपन में छोटे होते गिने होंगे, नहीं गिने? चलो कोई बात, बैठो दोबारा हाथ ऊपर करना। अनकाउंटेबल वाले कौन कौन थे? सरदार जी आप खड़े हो, गिने तारे कभी आपने? या तुम झूठ बोलते हो यार। मैडम आप बताओ गिने तारे कभी आपने? गिने? इतने बेले हो, तारे गिनते हो, बताओ तो कहाँ तक गिने? मैं आइडिया कोई 10, 20, 50, 100 कितने तक है? कितने तक गिने बताओ तो सही, कोई आइडिया बता दो कितने तक गिने? कोई आइडिया नहीं, कोई वैसे अप्रोक्सीमेट नहीं, कोई गिनती तो याद होगी 10, 20, 50 कितने? 20-30 तक गिने। और कौन कह रहे हैं अनकाउंटेबल होते? आप खड़े हो, गिने तारे कभी? कितने तक गिने थे? उसके बाद क्या हुआ? गिनती नहीं आती थी, उसके बाद मिक्स हो गए। सरदार जी आप खड़े हो, नहीं नहीं हाँ आप आगे वाले, हाँ आप ही क्या होते हैं तारे, काउंटेबल के अनकाउंटेबल? गिन सकते हैं? गिने आपने कभी? कितने गिने थे? जिन्ना चे नींद नहीं आती, अभी भी ऊपर सोता है अभी भी? फिर सुबह घर वाले उठाते हैं क्या, पानी गर्म पानी डाल के पिघलाते हैं, कहता सर्दियों में भी बाहर सोता हूँ। अच्छा गर्मियों में कह रहा है क्या?
मैंने कहा सर्दी में सोएगा फिर घर वाले उठाएंगे नहीं, गर्म पानी डाल के पिघलाएंगे पहले। बैठ जा। तो देखो मैंने दो तीन लोगों से पूछा कि आपने तारे गिने हैं, गिने तो सबने, सरदार भी झूठ बोल रही है देखो, है ना, सबने गिने होंगे बचपन में गिने। तो देखो मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसका रीजन है क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ते तो है लेकिन वो हमें समझ भी आ रही है, लेकिन जो चीज समझ नहीं है वो नहीं समझ में आ रही। तो मैंने आपसे पूछा आपने तारे गिने, आपने कहा हाँ जी गिने। मैंने कहा कितने तक गिने, मैडम ने कहा 20-30 तक, वो कहता जितने तक गिने जाते हैं। तो इसका मतलब जो आपने 20 तक गिना वो काउंटिंग ही तो है, गिने हैं तभी तो गिने जा सकते हैं, तो आप इसको अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हो? हाँ, अब आपने कहा सर सारे तो नहीं गिने जा सकते, तो काउंटेबल की डेफिनेशन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि सारे गिने जाएंगे तो ही काउंटेबल होंगे? लिखा कहीं डेफिनेशन में? डेफिनेशन आपने क्या बताई काउंटेबल की? जिसको गिना जा सकता है, दैट्स इट। सारे गिने जा सकते हैं तो काउंटेबल है, कहाँ लिखा डेफिनेशन में? अब आप क्लास में कितने बच्चे बैठे हो मुझे नहीं पता, अप्रोक्सीमेट 250 प्लस हो, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ मैं आपको गिन सकता हूँ। अगर मैं आपको गिनना स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, अब मैं गिनती नहीं करता आगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप अनकाउंटेबल होगे, नहीं है ना? आपकी गिनती की जा सकती है, आपको गिना जा सकता है, तो यू आर स्टिल काउंटेबल। अगर मैं आपके सामने पानी रख दूँ, पानी वाटर, और आपको कहूँ गिनो, तो आपका पहला जवाब क्या होगा कि सर गिना ही नहीं जा सकता, तो उसको आपने देखते ही जवाब दे दिया कि सर नहीं गिना जा सकता। इसका मतलब वो चीज़ क्या है? अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है ना? बाकी आप पंजाब से बिलोंग करते हो सारे, तो तारों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए काउंटेबल होते हैं। गाना नहीं सुना आपने, गिनते में तारे सारे दे सारे, नहीं सुना कभी? वो तो सुना होगा तारे गिन गिन याद से तेरी, सुना है ना? तो तारे गिने जाते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये चीज जो है ना बेटा, मैं फिर बता दूं, ये नाउन में नहीं काम आएगी आपको, ये काम आएगी जब आप एडजेक्टिव का टॉपिक करोगे। आपका सिलेबस जो है उसके अंदर एक टॉपिक आता है डिटर्मिनर्स, क्या आता है? डिटर्मिनर्स, वो एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन वो पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक होगा किससे? नाउन से। अगर आपको पता है काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो आप डिटर्मिनर्स कर लोगे इजीली, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब देखो मैंने आपके सामने दो चीजें रखी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप याद करो कल हमने कितने टाइप की नाउन पढ़ी थी, पांच टाइप की। तो उन पांच में से जो आपकी कॉमन नाउन होती है, कौन सी नाउन होती है? सिर्फ यही एक नाउन है जिसको हम काउंटेबल कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो नाउन काउंटेबल होगी उसे हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कौन सी नाउन को? जो काउंटेबल होगी। अब बताओ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम है, सीखा हुआ है सबने बचपन में, कि अगर हम किसी भी नाउन के साथ क्या जोड़े, एस या ईएस, तो वो नाउन जो है वो क्या हो जाती है? हाँ जी, तो वो नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। समझ आ गई बात? जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। और जो मैंने तीनों नाउन अभी बोली, ये तीनों कौन सी टाइप की नाउन है? कॉमन है। तो जो आपकी कॉमन नाउन होती है वो काउंटेबल होती है, और इनका हम क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। अगर आपकी नाउन प्रॉपर है, कौन सी नाउन है? अगर किसी का प्रॉपर नेम लिखा हुआ है तो उसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। लिखते हैं कभी? क्या नाम है सर आपका? दीपक। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा दीपक का प्लूरल क्या होता है? होता है? नहीं होता। कैसा नाम रखा है सर आपका, तो प्लूरल नहीं होता। आपका क्या नाम है? रमन का प्लूरल बताओ क्या होता है? नहीं होता। पंजाबी में करके देख लो, इंग्लिश नहीं आती तो। पंजाबी में प्लूरल भी तो होता है ना, होता है रमन का कोई प्लूरल? नहीं होता। तो प्रॉपर नाउन जितनी भी हैं उनका कोई प्लूरल नहीं होता। अगर हमें नाउन मिल जाए, कौन सी? मटेरियल। कौन सी नाउन मिल जाए? इसका भी कभी प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल है। और जो नाउन अनकाउंटेबल होगी, जिसको आपने अनकाउंटेबल बोल दिया, उसका कभी आप प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे आप देखो अनकाउंटेबल में मैंने बोला आयरन, तो आपको आयरन्स नहीं होता। मैंने कहा वुड, लकड़ी, वुड्स, प्लूरल नहीं होता, ठीक है? इसी तरीके से एक नाउन हमने पढ़ी थी, कौन सी? एब्स्ट्रैक्ट।
कौन सी नाउन पढ़ी थी? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाए इसका भी प्लूरल नहीं होता। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने के लिए मैंने कल आपको कुछ सफिक्स बताए थे, याद है? कि अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में TION, SION, TY, CY, TH, MENT, ANC, ENC याद है सारे? कौन से नाउन बनाते हैं वो? एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी क्या नहीं होता? प्लूरल नहीं होता। बात समझ आ रही है सभी को? अब आपके पास ये तरीका है कि अगर आपको नाउन का टाइप पता है, अगर आपको नाउन का टाइप पता है तो आप इसका ये बता सकते हैं कौन सी काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा शुगर का प्लूरल हो जाएगा? बताओ। अब मैंने क्या कहा, जो काउंटेबल होगी उसका प्लूरल हो जाएगा, जो अनकाउंटेबल होगी उसका प्लूरल नहीं होगा। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप नाउन को प्लूरल करके देख लो, अगर हो रही है तो काउंटेबल है, नहीं हो रही तो अनकाउंटेबल है। बात समझ आ गई? अब ये बात भी बड़ी खतरनाक हो जाती है कई बार कि मैंने कहा कि नाउन को प्लूरल करके देखो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल होती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सारी नाउन के अंदर एस जोड़ देते हैं। अब मान लो मैं शुगर बोला तो कह रहे सर हो तो रहा है शुगर्स। अब इनमें से कोई महिला चली जाए किसी शॉप पे, कहते भैया 2 किलो शुगर्स दे दो, भैया बेहोश है। इनको मैंने सिखा दिया कि किसी नाउन के साथ एस लगाने से वो प्लूरल हो जाता है, इन्होंने सब में एस लगा दिया। ऐसा नहीं होता, प्लूरल करके देखो क्या उसका प्लूरल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो वो अनकाउंटेबल है। तो बताओ शुगर का शुगर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सी नाउन होगी? अनकाउंटेबल। बताओ हेल्थ का हेल्थ होगा? पहचानना सीख लो बेटा, काम आएगी चीज। पहले ये बताओ ये हेल्थ कौन से टाइप की नाउन है? बोल नहीं रहे हो सारे। कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। कैसे पता लगा? TH है। तो एब्स्ट्रैक्ट पता लगते ही क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये कौन से टाइप की नाउन है? तो ये भी क्या होगी? बताओ रुपी का रुपीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या होगी? काउंटेबल। डॉलर का डॉलर्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या है? काउंटेबल। वेल्थ कौन सी नाउन है? क्या होगी? अनकाउंटेबल। लीटर का लीटर्स हो जाएगा? कौन सी नाउन है? मनी का मनीज हो जाएगा? अगर आप किसी से पूछोगे कि मनी काउंटेबल होता है क्या अनकाउंटेबल होता है, तो आपको 90% लोग ये बोलेंगे कि मनी काउंटेबल होता है। कारण, क्योंकि उन्हें लगता है हम पैसों की बात कर रहे हैं, और पैसे तो हम सारा दिन गिनते हैं। मनी का मतलब पैसे नहीं होता, मनी का सही मीनिंग होता है धन। सुना कभी वर्ड धन? ठीक है, धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब होता है जो भी आपके पास वैल्यूएबल थिंग्स है आपकी, लाइक आपके पास मनी है, गाड़ी है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो सारा इंक्लूडेड फॉर्म के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मनी। और मनी जब मैं बोल रहा हूं, मान लो मैं आपको कह दूं मेरे पास मनी है, क्या आपको पता है कितनी है? नहीं पता। मनी का मतलब पैसे नहीं होता। अगर मनी का मतलब पैसे होता है तो आप में से कितने लोगों ने कभी ये बोला है कि आज मेरी पॉकेट में 100 मनी है? बोला कभी आपने? कभी बोला कि आज हमें कोचिंग में 12,000 मनी देनी है? नहीं बोला। आप क्या बोलते हो? रुपीस। तो रुपीस काउंटेबल है। हम सारा दिन पैसे गिनते हैं, रुपीस गिनते हैं, मनी नहीं गिनते हैं। तो मनी का प्लूरल भी नहीं होता, तो कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। तो बताओ मैंगो का मैंगोज हो जाएगा? काउंटेबल। पेट्रोल का पेट्रोल्स नहीं होगा? भैया स्कूटी में पेट्रोल्स भर दो, नहीं? चलो आपके घर दूध आता है? कितना दूध लेते हो? 2 लीटर। आप कितना लेते हो? लेते ही नहीं। आता ही नहीं घर पे दूध? दूध आता ही नहीं। थैली कौन सी? हाँ फिर ऐसे बताना। मैंने कहा दूध आता, कहता नहीं थैली लेते हम। तो थैली में दूध ही तो होता है कि थैली में कुछ और होता है? थैली में क्या आता है? तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ, दूध आता है ना, कितना दूध लेते हो? 1 लीटर लेते हो। आप कितना लेते हो? 2 लीटर लेते हो। तुम समझदार लोग भाई हो यार, पहली बार नहीं तो मैंने आज तक जितने लोगों से भी पूछा कि कितना दूध लेते हो, सारे कहते 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। बेटा दूध होता है लिक्विड। क्या होता है? और दूध हमेशा किस में लिया जाता है? लीटर में लिया जाता है। ठीक है, तुम समझदार लोग आए हो इसका मतलब। ठीक है, तो अब ये होता दूध के साथ ही है, सिर्फ दूध वाले केस में होता है। बाकी पेट्रोल पंप पे जाके आपने कभी कहा है कि भैया 1 किलो पेट्रोल भर दो? वहां नहीं बोलते हम।
वहां तो हमें सरकार ने वैसे भी बोलने लायक छोड़ा ही नहीं है, जाते सीधे 100 का नोट पकड़ाते, 100 का डाल दे, ये नहीं पता 100 का आता कितना है, पता ही नहीं कई लोगों को तो, सच में नहीं पता, जो डेली बाइक चलाते उनको भी नहीं पता कि 100 का एग्जैक्ट पेट्रोल आता कितना है, हैं? पॉइंटों में आता होगा, लीटर तो नहीं आता पूरा, तो बताओ पेट्रोल का प्लूरल हो जाएगा कौन सी नाउन है, रिंग का रिंग्स हो जाएगा, काउंटेबल, गोल्ड का गोल्ड्स, अनकाउंटेबल, वैसे भी गोल्ड कौन से टाइप की नाउन में आएगा, मटेरियल नाउन नहीं, कौन सी नाउन है, सबसे ज्यादा पेपर में आता है ये वाला ज्वेलरी, क्या लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम पेपर में स्टेट लेवल के पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप भी कभी पढ़े होंगे कभी तो आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कि ज्वेलरी का प्लूरल नहीं होता, ठीक है, एक ये वाला वर्ड, एक ये वाला वर्ड सीनरी, एक ये वाला वर्ड पोइट्री, इन तीनों को ध्यान से देखो, इन तीनों के अंदर देखो ये जो सीनरी है इसका रूट वर्ड है सीन, क्या है रूट वर्ड सीन, हमने इसके साथ क्या जोड़ा आर वाई, इस पोइट्री में रूट वर्ड क्या है पॉइंट, हमने क्या जोड़ा, इसमें जो वर्ड है वो है जुल, और इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है, आप बताओ लास्ट में आर वाई जुड़ रहा है तो ये कौन सी नाउन के अंदर होगा, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो तीनों का प्लूरल नहीं होगा, समझ आ गई, तीनों का अनकाउंटेबल है, कार का कार्स, स्कूटर का स्कूटर्स, पेशेंस का हो जाएगा कौन सी नाउन है, बुक का बुक्स, नॉलेज नॉलेज अनकाउंटेबल है, बात समझ में आ गई, तो आज के बाद कोई भी नाउन आपके सामने आ जाए काउंटेबल अनकाउंटेबल पहचान लोगे, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, और ये काम आएगी आपको, समझे बात को, तो अब देखो एक मैंने आपको बता दिया कि काउंटेबल क्या होता है अनकाउंटेबल क्या होता है, लेकिन इसी में हमने एक और बात भी सीखी कि जो नाउन काउंटेबल होती है उसको हम क्या कर सकते हैं प्लूरल, और जो नाउन अनकाउंटेबल होती है वो कभी प्लूरल नहीं होगा, क्लियर है यहां तक, समझ आ गया पॉइंट, चलो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा नाउन का इसका नाम है नाउन जेंडर, क्या नाम है नाउन जेंडर, अब यहां से भी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए जेंडर होता क्या है, क्या होता है, एक मिनट रुकना इनके कमेंट पढ़ लूं क्या कह रहे हैं ये, इनका अलग ही सीन चलता रहता है, कुछ बच्चे तो इधर पढ़ रहे हैं ऐप पे, कुछ ये YouTube वाले होते हैं, ये YouTube वाले थोड़ी देर पढ़ते हैं बस 10-15 मिनट, उसके बाद ये ढूंढते हैं कि इन कमेंट में से लड़की वाला नाम कौन सा है, फिर जो लड़की वाला नाम होता है, अगर लड़की ने मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज करो लड़की ने ये पूछ लिया कि सर क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है, तो मेरा ध्यान तो नहीं जाता बाय द वे, मैं कहता हूँ उस लड़की के 15 कमेंट आपको मिल जाएंगे लड़कों के नीचे जो उसको टाइमिंग बता रहे होंगे, पहले वो टाइम बताते हैं, फिर आप पूछते हैं कहाँ से हो, फिर पूछेंगे व्हाट्सएप चलाते हो, ये शिकारी हैं सारे, इनका अलग ही चलता रहता है व्हाट्सएप यहाँ पे कमेंट के अंदर, और ये सोशल मीडिया मतलब आजकल देखो कितनी साइट्स हैं ना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, लेकिन ये लोग कमेंट में आके चैट करते हैं, बताओ एक तो अभी मैं परसों क्लास लगा रहा था 8 बजे वाली, तो मुझे बताया किसी ने, मतलब मैं कमेंट इतने रीड नहीं करता, ठीक है जो दिख गया दिख गया एक आधा, वो लड़की लिख रही है कि मेरे घर वालों ने मेरा मोबाइल ले लिया है तो इसलिए मैं अब यहाँ पे बात कर सकती हूँ ये ठीक है मैंने कहा मेरे को किसी ने जो हमारा टेक्निकल वाला बंदा होता है उसने बाद में मुझे चैट पढ़ाई हो वाली कहता सर देखो ऐसा भी सीन चलता है, मैंने कहा ये ठीक है, मैंने कहा घर वालों ने फोन ले लिया फिर क्लास कैसे लगा रही है, कहता सर उसने लिखा था मेरे पापा के फोन से लगा रही हूँ घर वाले सोच रहे इंग्लिश की क्लास चल रही है और यहाँ चल रहा है कुछ और ही, चलो जेंडर क्या होता है बताओ, जेंडर पता है सभी को, तुम यार बोलते क्यों नहीं हो, है पढ़ के आए हो तुम, 10वीं क्लास पास हो, सारे 12वीं भी पास हो, कितने लोग ग्रेजुएट आप में से, अच्छा कितने लोग ग्रेजुएट भी हैं, तो फिर आपने ये चीजें पहले कभी सुनी नहीं, कि पहली बार ही सुन रहे हो मेरे से, मैं पूछ रहा हूं जेंडर क्या होता है, आपको अपना अपना जेंडर पता है, किसी को नहीं पता हो
पीछे भाई साहब ऐसे उदास होके क्यों बैठा है ऐसे साइड पे, ऐसा लग रहा है तेरे को क्लास से निकाल रखा है। साफ ही तेरे लड़का ही है। ठीक है सही है सब कुछ। चलो बताओ जेंडर बताए सबको। yes, सबको बताए। yes, बताने की जरूरत तो नहीं है। no, चलो आप बताओ फिर कितने टाइप के जेंडर होते हैं। no, है कितने टाइप के जेंडर होते हैं। no, दो no, तीन yes, ठीक ठीक लगा लो no, चार yes, चार होते हैं। yes, चलो आओ मैं बताता हूँ। चार नहीं होते मैडम, चार होते हैं। मैडम देखो ऐसे बैठे जैसे लंगर अभी यहीं चालू होने वाला है। वाह मैडम। हाँ जी पैर दर्द हो रहे हैं जवानी में, तुम्हारी कमर पैर सिर क्या बनेगा तुम्हारा आगे जाके। चलो देखो पहला जो जेंडर होता है ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होता है, मैस्कुलिन। क्या नाम है इसका, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो किसी भी मेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल कैटेगरी को। मेल समझते हो सारे, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इधर जो बैठे हैं ये अभी क्या है, बॉय है, और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी किसी के क्या बन जाएंगे, और भगवान की थोड़ी सी कृपा और हुई तो जल्दी क्या बन जाएंगे, फादर बन जाएंगे, बन जाएंगे। तो मैंने तीन वर्ड लिखे हैं देखो, पहला लिखा है बॉय, दूसरा लिखा है हस्बैंड, तीसरा लिखा है फादर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो पहले वर्ड से अगर मैं बोलता हूँ बॉय तो आपको सबको पता लग गया सर किसी मेल की बात कर रहे हैं। मैंने बोला हस्बैंड तो आपको पता लग गया मेल की बात हो रही है। मैंने बोला फादर तो आपको पता लग गया मेल कैटेगरी की बात हो रही है। तो ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसी कोई भी नाउन जिसको पढ़ते ही हमें ये पता लग जाए ये मेल के बारे में बता रहा है तो उसका जेंडर कौन सा होगा, मैस्कुलाइन। ठीक है फिर एक दूसरा जेंडर आता है जिसको हम कहते हैं फेमिनिन। कौन सा जेंडर होता है, फेमिनिन। अब ये कौन सा जेंडर होता है बताओ, ये जेंडर होता है जिसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को। ठीक है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉय है तो क्या हो जाएगा, गर्ल। हस्बैंड है तो क्या हो जाएगा, वाइफ। और फादर है तो क्या हो जाएगा, मदर। तो जब आप किसी को मदर कह रहे हो, वाइफ कह रहे हो, गर्ल कह रहे हो तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर होगी बात। उसके बाद एक तीसरा जेंडर आता है, उस तीसरे जेंडर का नाम होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर होता है, ये कौन सा जेंडर होता है, पीछे वाले मुस्कुरा रहे हैं। अरे कौन सा जेंडर होता है न्यूटर जेंडर, है? खुल के बोल यार ऐसे क्या मन मन में बोल रहे। हाँ क्या होता है बताओ, कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है, कुछ नहीं बोलते हो तुम यार। अरे बेहोश आत्माओं, जो तुम सोच रहे हो ना उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो अक्सर तुम्हें रेलवे फाटक पे मिल जाते हैं, भगवान तेरी जोड़ी बनाए रखे, समझे। क्या कहते हैं उसे, ट्रांसजेंडर कहते हैं। मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है। अच्छा वो नहीं होता सर, वो कहीं और ही पहुंच गया था। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, स्टाइलस है, तो इसको मैं अब इसका जेंडर पूछ लो, बताओ ये लड़का है कि लड़की है, है? वो देख रहा गौर से इतनी गौर से मत देख, क्या है ये, लड़का है कि लड़की है। तो भाई साहब ये कुछ नहीं है, ना ये लड़का है ना लड़की है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कैमरा लगा हुआ है ये लड़का है कि लड़की है, ये ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, तो इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये लड़का लड़की नहीं है। तो जो भी चीज होती है, थिंग्स होती है, उनको हम कौन सी कैटेगरी में करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है आपका एसी, आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका एलईडी, आपका स्पीकर, ये सब क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। यही पिछली बार पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपको सेंटेंस लिख के दे देगा, नाउन को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा बताओ इस नाउन का जेंडर क्या है।
ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर में क्या चीज आती है बताओ? थिंग्स आती है, ये कह लो वस्तु आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ लू बेटा इस पंखे का जेंडर क्या है, कहीं आपको सर अगर बजाज का है तो मेल है, पर अगर उषा का है तो फीमेल है, ऐसा नहीं। पंखा है तो इसका मतलब क्या है? न्यूटन है। कितने जेंडर हो गए? तीन। अब आता है एक चौथा जेंडर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कॉमन जेंडर। आ गया तेरा कॉमन? कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। अब बताओ कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है? अब फिर वहां मत फोन जाना। कॉमन जेंडर, हाँ जी, देखो सुनो, कॉमन जेंडर का मतलब होता है, देखो जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अगर मैं बॉय बोलूं तो आपको पता लग गया वो मेल है, मैंने गर्ल बोला आपको पता लग गया फीमेल है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट बोलूं तो बताओ लड़का है कि लड़की है? दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट आपका बॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट आपका गर्ल भी हो सकती है। टीचर आपका बॉय भी हो सकता है, टीचर आपकी गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर आपका लड़का भी हो सकता है, डॉक्टर कोई लड़की भी हो सकती है। लॉयर कोई लड़का भी हो सकता है, लॉयर कोई लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अंदर लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं, तो उस जेंडर को हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। तो इसके एग्जांपल्स मैंने अभी अभी बताई दी आपको, क्या हो सकता है? स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, टीचर हो सकता है, और क्या हो सकता है? डॉक्टर हो सकता है। तो ये सारे कौन से जेंडर आते हैं? कॉमन जेंडर। तो आपका पेपर में देखो, मैं बार बार ये चीजें क्यों बताता हूं कि ये चीज आती है पेपर में, क्योंकि जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि आप ये क्लास लगाओगे ना, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर बनाने वाले ने हमारी क्लास के नोट्स उठा के ही पेपर बना दिए, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। आपका पेपर कोई बहुत हाई लेवल का पेपर नहीं आता। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको बहुत हाई लेवल की चीजें और भी बताता, क्योंकि जैसे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है जो, उसमें SSC का है वो। अब उस बैच के अंदर जो चीजें मैं करवाता हूँ वो बहुत हाई लेवल की चीजें होती है। हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आता, समझ आता है, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप पंजाब स्टेट जिसमें नाम जुड़ गया, आप कॉन्स्टेबल, SI, पटवारी, एक्साइज, कोऑपरेटिव बैंक, इनकी तैयारी अगर करते हो तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देखो, आपको पता लगेगा कि पेपर का लेवल बिल्कुल रद्दी लेवल आता है, बिल्कुल रद्दी लेवल, ठीक है। आपने अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ ली, थोड़ी बहुत भी जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप इतना भी पढ़ लोगे ना तो आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। यही टेक्निकल चीजें आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वहां पे क्वेश्चन क्या आएगा आपके पेपर में? कुछ नहीं आएगा। उसने एक नाउन दे दी, मैं आपको बता ना पटवारी का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, उसी दौरान कुछ और पेपर भी हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसने स्टूडेंट वर्ड दिया था, क्या वर्ड दिया था? और उसने स्टूडेंट को अंडरलाइन करके पूछ लिया कि बताइए इसका जेंडर कौन सा है। अब जिसने कभी नहीं पढ़ा ये चीजें, जेंडर नहीं पता जिसको, चार टाइप के होते है ना, तो वो क्वेश्चन उसके लिए टफ है। लेकिन जिसने पढ़ा है क्लास में कि चार टाइप के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर, और इनकी कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है, तो उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान था, एक नंबर फ्री का नंबर है, ठीक है। और ये पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, देखो एक पेपर में क्वेश्चन आया था ये वाला, क्या लिखा है क्वेश्चन में? स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम, ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, एक तो है हिज, दूसरा है हर, और तीसरा क्या है? इट्स। आपको बताना है कि इन तीनों में से सही क्या है, तीनों में से सही क्या है। अगर देखो कोई लड़का होता तो हम उसके लिए क्या लगाते? हिज। अगर कोई लड़की होती तो हम क्या लगाते? और अगर कोई नॉन लिविंग चीज होती तो क्या लगाते? इट लगाते, ठीक है। तो अब आप बताइए कि तीनों में से मैं क्या लगाऊं? क्या लगाऊं? इट्स लगा दूं? हो गया ना कंफ्यूज? ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सुनो ध्यान से। मैंने आपको कितने जेंडर बताए? चार। इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जेंडर है आपका, वो है कॉमन जेंडर। कौन सा है? जो आपको क्वेश्चन पुट करवाएगा, जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट करता है, वो है कॉमन जेंडर। अब आपको यहां पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है? स्टूडेंट।
अब आपको ये नहीं पता कि स्टूडेंट लड़का है कि लड़की है, तो आपको पास तीन ऑप्शन है, हिज हर और इट्स, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, इसके लिए हमें क्या है, एक जनरल रूल बताया गया है। वो रूल ये है कि अगर आपको नहीं पता कि लड़का है कि लड़की है, तो आप इसे सबसे पहले लड़का मानेंगे। क्या मानेंगे? यानी कौन सा जेंडर मानेंगे? मैस्कुलाइन। कौन सा जेंडर? अगर फिर भी ऑप्शन में मान लो ये लड़के वाला ऑप्शन अगर नहीं आता, सपोज करो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, फिर वो कहता है कि आप इसे इट मान लो। क्या मान लो? और अगर इट भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, फिर हम इसे क्या मानेंगे? फेमिनिन मानेंगे। इनको प्रायोरिटी दी गई है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये पता ना लगे कि वो लड़का है कि लड़की है, तो आप उसे सबसे पहले क्या मानोगे? लड़का। फिर क्या मानोगे? इट। और अगर इट भी नहीं है तो क्या मानोगे? तो इनकी सीक्वेंस होती है इस तरीके से। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो देखो इंग्लिश आज नहीं बनी है, इंग्लिश बहुत साल पहले बनी थी, है ना। जब भारत के अंदर अंग्रेज आए थे तो उन्हीं से हमने अंग्रेजी सीखी। हम जो इंग्लिश सीखते हैं वो कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे हो? ये ब्रिटिश इंग्लिश है। इंग्लिश में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब आपने देखा होगा रशिया वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लैंड वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन इन सबकी इंग्लिश में क्या है? फर्क है, इनके एक्सेंट के अंदर फर्क है। तो जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं वो कौन सी है? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोग जब भारत में आए थे तो उस टाइम क्या था, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो भारत एक पुरुष प्रधान देश था। पुरुष प्रधान मतलब मेल डोमिनेंट था, मेल डोमिनेंट यानी पुरुषों की चलती थी। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर आपको नहीं पता लग रहा कि ये जेंडर कौन सा है, तो आप उसको क्या मान लो? मेल मान लो। और फीमेल की कंडीशन उस टाइम क्या थी? डाउन थी। तो वो कहते हैं कि सबसे लास्ट में आप किसको मानोगे? फीमेल को, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया वैसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी भी काम आएगा, आगे टॉपिक्स में भी काम आएगा, मैं आपको बता दूंगा कि देखो हमने ये नाउन में पढ़ा था, ठीक है। तो याद रखना है सारी चीजों को। तो ये अभी अभी हमने कौन सा चीज क्लियर किया? जेंडर। क्या क्लियर किया? जेंडर। चलो एक छोटी सी बात और पूछता हूं मैं आपसे जेंडर से रिलेटेड। यहां पे ना कुछ चीजें लिखी हैं, इनको ध्यान से देखो। पहले तो ये बताओ, एक वर्ड होता है, मैं साइड में लिख देता हूं, चलो मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूं। एक वर्ड मैंने लिखा लेडी, एक वर्ड मैंने लिखा वोमेन, एक मैंने लिखा जेंट्स, एक मैंने लिखा जेंट, और एक मैंने लिखा जेंटल लेडी। ये कुछ वर्ड्स लिखे आपके सामने, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस लेडी में और इस वोमेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? लेडी में और वोमेन में क्या डिफरेंस होता है? चलो तुम तो पुरुष हो, महिलाओं से पूछ लेते हैं। बताओ मैडम क्या फर्क होता है लेडी और वोमेन में? लेडी एक होती है और वोमेन ज्यादा होती है, कोई भी हो सकती है वोमेन। आप बताओ मैडम, आप, अरे आवाज नहीं करें, क्या डिफरेंस होता है लेडी और वुमेन में? सेम, बस ये डिफरेंस होता है। आप बताओ, नहीं पता? महिलाओं के तुम्हें ये नहीं पता कि लेडी और वुमेन में क्या फर्क होता है? फिर तुम कहते हो महिलाओं की तुम इज्जत नहीं करते हो, महिलाओं को तुम आगे नहीं लेके आते हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता लेडी और वुमेन में क्या डिफरेंस होता है। किसको पता है इधर, पता आपको? बताओ, पहले क्लास लगाई हुई है कभी? नहीं तो खतरनाक खतरनाक आंसर आने से भी, पता आपको? एक मेरे को कहता कि सर मैंने पूछा लेडी और वुमेन में क्या डिफरेंस होता है, कहता सर जो लेडी होती है वो अनमैरिड होती है और जो वुमेन होती है वो शादीशुदा होती है। बैठ जाओ। तो मैंने कहा ये अगर मुझे किसी को बुलाना है, मान लो सपोज करो किसी को बुलाना है, तो मैं उसको लेडी बोलूँ या वुमेन बोलूँ? पहले उससे जाकर मैं ये पूछूँ, बहन जी आपकी शादी होगी? अगर आपकी शादी होगी तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ? वुमेन बोलूँ। अगर नहीं हुई तो फिर मैं आपको लेडी बोलूँ? मैंने कहा ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है। कहता नहीं सर जिनकी उम्र, फिर एक और से पूछा मैंने, कहता जिनकी उम्र जो है छोटी होती है, मतलब जो लड़की टाइप जिसको कह सकते हो आप, कहता वो लेडी होती है, और जो आंटी टाइप होती है वो वुमेन होती है। मैंने कहा तू मेरे पक्के छितर पड़वाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लेडी जो वर्ड होता है, वुमेन और लेडी में डिफरेंस क्या होता है? वुमेन आप किसी को भी कह सकते हो, ठीक है। वुमेन एक जनरल वर्ड है, जनरल मतलब आप किसी को नहीं जानते, सपोज करो आप किसी को भी नहीं जानते तो आप इनको वुमेन कह सकते हो। नींद आ रही है बेटा? इसके कंधे पे सिर रख के क्यों बैठे?
लड़का है, ध्यान से देख इसको, दाढ़ी आ रखी है इसकी इतनी इतनी, ठीक है। तो वुमेन कोई भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि आई सो अ वुमेन इन माई स्ट्रीट, है ना, मैंने एक महिला को देखा आज गली के अंदर, तो वो महिला कौन थी अपने को नहीं जानते, तो आपने उसको वुमेन कह दिया। लेडी वर्ड जो होता है वो आप किसी को रिस्पेक्ट जब देते हैं, जब आप महिला को रिस्पेक्ट देने चाहते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, लेडी। जैसे आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहां क्या बोलते हैं सबसे पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, सुना है ना आप सभी ने। तो यही फर्क होता है लेडी और वुमेन के अंदर, वुमेन जनरल वर्ड है और लेडी जो है वो एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, रिस्पेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है। ये तो बात होगी महिलाओं की, ठीक है। अब आ जाते हैं तुम पे, आप बताओ कि आप में से कितने लोग जेंट्स हैं, कोई भी नहीं। उसने देख शर्माते शर्माते हाथ ऊपर किए, कितने लोग जेंट्स हैं आप में से, सारे हो, हाथ ऊपर करके बताओ, मैं क्यों मानूं, कैसे मानूं। चलो ये बताओ जेंट्स हो के जेंट हो, जेंट्स कितने लोग हैं, पहले वो हाथ ऊपर करें, एक ही है। अरे कर लो कि नहीं हो, है जेंट हो कि जेंट्स हो, जल्दी बताओ। चलो जो जेंट्स है वो हाथ ऊपर कर लो, एक सरदार जी, दोनों ने येलो पहन रखा है, तो नहीं है क्या था, नहीं जी मैं नहीं हूं। सरदार जी आप जेंट्स हो, कायम हो अपनी बात पे, वो जका है, और कौन है बताओ, और कोई नहीं है, कोई है तो बता दो, हाथ ऊपर मत करना। चलो जो जो जेंट्स हैं, जो जो जेंट्स हैं वो आज घर जाना, अपना मोबाइल फोन लेना, मोबाइल फोन में जेंट्स गूगल करना और उसके नीचे कुछ लिखा आएगा उसको पढ़ना बंद कमरे में, फिर जो भी जेंट्स है वो मेरे को कल अलग से आके मिलना। आप जेंट्स नहीं हो बेटा, आप जेंट हो, क्या हो, अभी मत करने लग जाना गूगल, शर्म आ जाएगी तुम्हें खुद को, है। अच्छा कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कर लेना, कंफ्यूजन क्लियर कर लेना अपनी, अभी कोई गूगल मत करना, वो देख पीछे गूगल कर रहे, इतनी जल्दी तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने की, वो देख के अभी शर्मा जाएगा दो मिनट में, सबर कर बेटा, घर जाके देख लेना आराम से, ठीक है। तो जेंट हो आप सारे, क्या हो, जेंट। अब देखो जो आपने वर्ड सुना होगा जेंटलमैन, सुना जेंटलमैन वर्ड सुने, तो वो जेंट से ही बना हुआ है। तो जब हम लेडी को रिस्पेक्ट देते हैं किसी महिला को, तो हम उसको लेडी बोल देते हैं, और अगर किसी मेल कैंडिडेट को अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो उसको क्या बोल देते हैं, जेंटलमैन। तो जेंट से ही क्या बना, जेंटलमैन। जेंट्स कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई पुरुषों के लिए वर्ड नहीं होता। अगर मान लो पेपर में लिखा आ जाए जेंटल लेडी, सही होगा कि गलत होगा, अगर कहीं पे लिखा आ जाए जेंटल लेडी, सही होगा कि गलत होगा, ये गलत है। अब इसके गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने कहा जेंट वर्ड रिस्पेक्ट देने के लिए आता है और लेडी वर्ड के अंदर पहले से रिस्पेक्ट है, तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी, एक बार दे दी बहुत है, लेडी बोल दिया ना, तो जेंटल लेडी कभी नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ड रिस्पेक्टेड हो जाएंगे, फिर वो सुपरफ्लोस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये था आपका नाउन जेंडर। नाउन के अंदर ना छोटी छोटी कैटेगरीज है, हर कैटेगरी को समझते जाना है कि चलो आज जेंडर पढ़ा तो जेंडर में क्या चीज समझने वाली थी, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा तो उसमें क्या चीज समझने वाली थी, काउंटेबल कैसे पहचानते हैं, अनकाउंटेबल कैसे पहचानते हैं। कल हमने टाइप्स पढ़े तो टाइप्स को कैसे समझना है, वो समझने वाली चीज थी। छोटी छोटी कैटेगरीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और बाद में इन सारी कैटेगरीज को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, फिर आपका नाउन तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ आ रहा है, पीछे लास्ट आ रहा है समझ में, इधर पूछ रहा हूं, इधर इधर लास्ट में आ रहा है समझ, इसने गूगल कर लिया मुझे लगता है। चलो अब देखो ये होगी कितनी चीजें होगी, अब देखो स्टार्टिंग से देखो एक बार, आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई, आपको मैंने टाइप्स पढ़ाए, आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन पढ़ाई, फिर मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया, और अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, जेंडर। तो आप पांच कैटेगरी नाउन की पढ़ चुके हो, कितनी कैटेगरी, पांच। अब एक और कैटेगरी पढ़ाता हूं, और इसे हम कहते हैं नाउन के अंदर क्या चीज, केस, क्या कहते हैं, केस।
केस क्या होता है बताओ, नाउन केस क्या होता है, पता किसी को? नहीं पता? कारक शब्द सुना है? कारक ग्रामर का एक टॉपिक होता है, कारक पंजाबी में भी होता है, हिंदी में भी होता है, सुना है किसी ने? नहीं याद आया? अब आ जाएगा याद, पक्का देखना। आपने सुना है कर्ता ने कर्म को? आ गया आ गया आ गया। तुम्हें गाने याद है? तुम्हें ये नहीं पता कौन सा टॉपिक है, ठीक है? तुम्हें बस वो राइमिंग याद है। जैसे मैंने कल नाउन की डेफिनेशन पूछी थी ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, तो वैसे ही अगर आओ ना कर्ता ने, फिर सारे स्टार्ट हो जाए पीछे पीछे, कर्म को करण से, तो उसी को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कारक। तो नाउन के अंदर एक चीज होती है केस। क्या होता है? केस। और केस होते हैं चार टाइप के। कितने टाइप के? चार टाइप के, ठीक है? कौन कौन से चार टाइप होते हैं पता है? देखो फिर, पहला जो टाइप होता है इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस कहते हैं? देखो बहुत आसान है, समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या है? सब्जेक्टिव केस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्टिव केस नाउन में क्या होता है, तो आपने उसको बताना है कि जब कोई नाउन, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अगर कोई नाउन आपके सेंटेंस में किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। बात समझ आ गई? और इसके बाद एक दूसरा केस आता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। अब बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बता दो, अब तो पता लग गया होगा। क्या लिखेंगे? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई नाउन किसकी तरह यूज की जाए? ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसे हम कहते हैं कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। कोई नई चीज नहीं है। पहले दिन की क्लास याद करो, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, दोबारा पूछ लेता हूं। मैंने देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि राम कॉल्ड रीना। क्या लिखा मैंने? राम कॉल्ड रीना। तो सबसे पहले बताइए इसमें नाउन कौन कौन सी है? राम और रीना। राम कैसे पता लगा, कैसे क्वेश्चन किया आपने? आपने क्वेश्चन किया हु कॉल्ड रीना, रीना को किसने बुलाया, तो आपने कहा राम ने। तो एक तो नाउन होगी आपकी कौन सी? राम। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया राम कॉल्ड होम, राम ने किसको बुलाया, तो रीना को बुलाया, तो ये भी आपकी क्या होगी? नाउन। समझ आ रही है बात? और ये बीच में जो कॉल्ड लिखा हुआ है ये क्या चीज है? ये वर्ब है। क्या चीज है ये? तो बताओ फिर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद जो आ रहा है ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तीन चीजें हैं। तो देखो इसको मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारी नाउन सब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। और जब हमारी नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। सिंपल है, बात समझ आ गई? अगर नाउन सब्जेक्ट की जगह आ रही है तो सब्जेक्टिव केस, और अगर नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आ रही है तो ऑब्जेक्टिव केस। दोनों सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद एक तीसरा टाइप आता है केस में, जिसका नाम है वोकेटिव। क्या नाम है? वोकेटिव। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, इसका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है? बता देता हूं होता क्या है। वोकेटिव का मतलब होता है जब आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हो। जैसे मान लो इनको मैं कहूं कि यू आर इंटेलिजेंट, नॉर्मल बात है। अगर मैं कहूं क्या नाम है सर आपको? कुलदीप। यहां वाला बंदा डेली चेंज हो जाता है क्या? क्या नाम है इनका? कुलदीप। तो मैंने कहा कुलदीप यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है? तो मैंने इस सेंटेंस के अंदर इनके नाम को कॉट कर दिया, इनके नाम को बोल दिया बीच में। तो जब आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हो तो उसे कौन सा केस कहते हैं? वोकेटिव। अगर आपने नरेशन का टॉपिक पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें आता है ना राम सेड टू रीना, ऐसा लिखा होता है उसके अंदर, तो वो वहां यूज होता है, ये उस टॉपिक के अंदर यूज होता है, नाउन में इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो यूज होता है नाउन के अंदर वो है आपका चौथा केस, जिसका नाम है पजेसिव। क्या नाम है? पजेसिव। अब ये पजेसिव क्या होता है? पजेसिव का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मल वर्ड है, आजकल बहुत चलता है ये, आपने किसी को कभी कहते सुना होगा तुम बड़े पजेसिव हो, सुना? बिल्कुल ठीक कहा। देखो क्या होता है पजेसिव का मतलब, कि कोई भी चीज किसकी है, उसका ओनर कौन है, उसका मालिक कौन है, वो किससे बिलोंग करती है,
ठीक है, उसे हम पजेशन कहते हैं। होता ना कई बार हम किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब ये हो जाते हैं ये मेरी है ना, गाड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा, इसको मैं घर से बाहर नहीं निकालूंगा, इसको मैं डेली वॉश करूंगा, मतलब किसी चीज को लेकर हमारा ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज्यादा हम अपना क्या करते हैं उस पर पजेशन शो करते हैं, ठीक है, तो उसे पजेसिव कहते हैं। पजेसिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज किसकी है, उसका ओनर कौन है, उसको पजेसिव कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आपके हाथ में जो नोटबुक है वो किसकी है, डर के क्यों बोल रहे ना, उठा के तो नहीं लाया किसी की, किसकी है, मेरी है, ठीक है। मैं पूछूं बेटा ये स्मार्ट बोर्ड किसका है, हैं, अरोड़ा सर का है, ये कैमरा किसका है, अरोड़ा सर का, ये लेक्चर स्टैंड किसका है, हैं, ये बैग किसका है, और आप किसके हो, आप मत करना अरोड़ा सर की, ठीक है, गुस्सा तो नहीं होता, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज किससे बिलोंग करती है ना, तो उसको ओनरशिप कहते हैं। अब यहां पे आपका ये जो पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। कैसे पुट किए जाते हैं, देखो जब हम किसी का पजेशन बताते ना, तो पजेशन दो तरह की नाउन का बताया जाता है। एक तो जैसे मान लो मैं कहूं कि मेरा मोबाइल है या मेरी कार है, तो मैं क्या हूं, मैं लिविंग हूं, लिविंग थिंग है ना मैं, तो मैं अगर अपना पजेशन बता रहा हूं तो मतलब मैं किसी लिविंग चीज का पजेशन बता रहा हूं। और अगर मैं कहूं कि बेटा इस स्पीकर के ये बटन है या स्विच है, तो किसके स्विच है, इस स्पीकर के, तो स्पीकर क्या है हमारा, नॉन लिविंग है। तो पजेशन दो तरह की नाउन का बताया जाता है, एक तो कौन सी नाउन का, लिविंग नाउन का। अगर आपको किसी लिविंग नाउन का पजेशन बताना है तो इसको बताने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम उस नाउन का नाम लिख देंगे जिसका हम पजेशन बता रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम लगा देंगे क्या चीज, क्या बोलते हैं इसको, हाँ जी, अपोस्ट्रोफी, हाँ जी, अपोस्ट्रोफी, क्या बोल रहे, अरे बताओ क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, क्या अपोस्ट्रोफी होता है, है? चलो कुछ होता होगा। और इसके बाद में जो भी चीज इसकी है यानी इसका पजेशन, उसको यहां लिख दो। इसको बेटा क्या बोलते हैं, छोड़ो इसको क्या बोलते हैं ये बताओ, है, कॉफी पिए कभी आपने, बाहर गए हो कभी सीसीटीवी में पीने, है, गए हो, अकेले तो नहीं गए होगे, फिर किसी के साथ गए होगे, आगे से जाओ तो ध्यान रखना कहीं आप किसी को जाके कहो कि बहन कॉफी पिएगी, कॉफी, कॉफी नहीं होता, इसको बोलते हैं कफे, क्या बोलते हैं, बोल के बताओ, कफे। बोलो कफे। इंग्लिश ना बता आपको इतनी प्यारी लैंग्वेज है, इसको बड़े प्यार से बोलना पड़ता है। पंजाबी लोग जब इंग्लिश बोलते हैं ना, अब पंजाबी लहजा ऐसा होता है देखो कि हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड टाइप है ना, थोड़े से हार्ड टाइप होते हैं ना, तो बस बोलने का मतलब एक तो वे उनका ऐसा होता है, थोड़ा सा भारी आवाज़ होती है, और ऊपर से इंग्लिश बोल रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इंग्लिश है प्यार से बोलने वाली लैंग्वेज, बोलो कफे, हाँ, ऐसे सुंदर, ऐसे सोचो आपके सामने सुंदर सी लड़की खड़ी, बोलो कफे, आ गया ना देखो तो ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। अभी आपने इसको क्या बोला, मैंने पूछा इसको क्या कहते हैं, कहते हैं अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी नहीं होता, अपोस्ट्रोफी क्या होता है, अपोस्ट्रोफी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम गलत बोलते हैं। अभी मैं किसी से पूछो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, अब इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, इसमें डी नहीं आता बेटा, ये वाला, अब बोलो एडजेक्टिव क्या होता है, आया मजा। अब इसको पूछ लो किसी से ये क्या लिखा हुआ है, क्या सर ये लिखे वर्ब, हाँ बी को ये जो आर है ना आर, इसको खा जाओ, बोलो वर्ब, आर नहीं आना चाहिए, बोलो वर्ब, वही कंडीशन दोबारा सोचो, अब बोलो वर्ब, आ रहा है ना, आ रहा है। तो प्रोनंसिएशन देखो क्यों जरूरी होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है स्पेलिंग टेस्ट का, आपसे स्पेलिंग पूछी जाती है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है इनमें से या कौन सी स्पेलिंग इनमें से सही है। अब स्पेलिंग सही उसकी होती है जिसको बोलना सही से आता है,
अब मैंने कहा नाउन की डेफिनेशन बताओ, क्या बोला मैंने, नाउन की डेफिनेशन बताओ, मैंने बोला डेफिनेशन, तो आप लिखोगे भी क्या डेफिनेशन, क्या स्पेलिंग लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, देखो डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, ये स्पेलिंग गलत होगी, क्यों, क्योंकि आपने बोला डेफिनेशन तो आप लिखोगे भी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन नहीं होता, ये होता है डेफिनेशन, डेफिनेशन, नेशन नहीं नेशन। अब अगर आप बोलोगे सही तो आपको समझ आ रहा है कि जहां ए लगा हुआ है वहां गड़बड़ है, वहां आई लगना चाहिए था, क्या लगना चाहिए था, स्पेलिंग सही होगी। तो स्पेलिंग सही करने के लिए आपको सही बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो किसी लिविंग नाउन का अगर आप पजेशन बता रहे हो तो सबसे पहले हम उस नाउन को लिखेंगे, जैसे मैंने बताना है कि मोहन की कार, क्या बताना है, मोहन की कार, तो मैंने सबसे पहले उस मोहन का नाम लिख दिया, ये लो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इसके साथ मैंने क्या लगा दिया एपोस्ट्रॉफी, और इसके बाद क्या चीज है इसकी, कार, ये लो जी ये पजेशन हो गया तैयार, ठीक है। जैसे मैंने बताना है राम के पिता, क्या बताना है, राम के पिता, किसके पिता है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा राम, साथ में क्या लगाया एपोस्ट्रॉफी, और साथ में क्या लिख दिया फादर, ये लो। कौन सी नाउन का पजेशन बताने का तरीका ये, ये है लिविंग का तरीका, किसका, लिविंग का। अगर आपको बताना है नॉन लिविंग का तरीका, किसका बताना है, नॉन लिविंग का, तो देखो नॉन लिविंग का कैसे बताते हैं, तो लिविंग का ऑपोजिट क्या होता है, नॉन लिविंग, लिविंग का ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा होता है इसका, तो अब इसको भी उल्टा कर दो, आप इस पजेशन को सबसे पहले लिख दो, यहां पे क्या लिखोगे सबसे पहले, पजेशन, उसके बाद जो ये अपोस्ट्रॉफे है इसको नहीं लिखना, इसकी जगह ऑफ लिखना है, क्या लिखना है, और जो भी नाउन है उसको कहां लिख दो, लास्ट में। ये हो गया तरीका किसको बताने का, नॉन लिविंग को। अगर मान लो मैं लिख दूं, अगर मैं आपको ऐसा लिख के दे दूं टेबल्स लेग, तो बताओ सही है कि गलत है, अगर मैं आपको टेबल्स लेग लिख के दे दूं सही है कि गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जिसका आप पजेशन बता रहे हो टेबल, वो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग को कभी भी ऐसे नहीं बताया जाता, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले इसके पजेशन को लिख दो, क्या आ जाएगा, लेग, एपोस्ट्रॉफे की जगह ऑफ, और टेबल को कहा लिख दो, लास्ट में, तो क्या लिखा जाएगा, लेग ऑफ टेबल, बात समझ आई, ये लिविंग ये नॉन लिविंग, ठीक है, समझ आ गया इतना, पढ़ लोगे यहां तक। तो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर तीन चीजें बताई हैं, एक तो क्या बताया, काउंटेबल अनकाउंटेबल, दूसरा क्या बताया है, जेंडर, और तीसरा क्या बताया, केस, और केस में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पजेसिव केस, कौन सा केस, और पजेशन कितनी तरीके की नाउन का बताया आपको, एक तो कौन सी और दूसरी कौन सी, नॉन लिविंग, पढ़ाओगे यहां तक, कल आपको पीडीएफ नहीं मिला था, आज की क्लास तक का मिल जाएगा यहां तक का, ठीक है, आज तक की क्लास का मिल जाएगा, उसको बना लेना नोट्स, या उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, जो भी करना है पढ़ लेना उसको, ठीक है। पजेशन आज शुरू हुआ है, अभी चलेगा, कल खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, पढ़ के आना यहां तक, कल मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और नाउन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है बेटा जल्दी से कोर्स परचेज करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज पंजाब के अंदर आने वाली हैं और आपको उसका फ़ायदा उठाना है, तो तैयारी कीजिए एक्सपर्ट टीम के साथ, अरुणा क्लासेस की पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो बेटा बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी अरोड़ा क्लासेस की ऐप पे, ठीक है। ऐप पे जैसे ही जाएंगे, ऐप पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना फेवरेट कोर्स सर्च कीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पंजाब स्टेट एग्ज़ाम ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी एक ही बैच में हो जाएगी, तो ये वाला बैच आप यहाँ पे सर्च कर लेना पंजाब स्टेट ऑल ओवर एग्ज़ाम, तो आपको ऐसा थंबनेल यहाँ पे दिखाई देगा, ये कोर्स आपका आ गया है। आगे जाएंगे अगले पेज पे पेमेंट के लिए, तो पहले पेमेंट नहीं करना, पहले स्क्रॉल करना, उसको नीचे आपको लिखा मिलेगा हैव अ कूपन कोड, तो आपने वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है बेटा, कौन सा, ARC212 कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्काउंट वाला ही आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है।
तो ये आपका ARC212 कूपन आपने लगाना है। जिन लोगों के पास आईफोन है उन्हें डाउनलोड करनी है माई इंस्टीट्यूट ऐप और ORG कोड फिल करना है ARC, ठीक है बच्चों। और सेम प्रोसीजर रहेगा। अब देखो, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि बेटा ARC212 जो ये कूपन कोड है इसको लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इसको फ़ायदा ये है बेटा लगाने का, देखो एक तो आपको मिलेगा ₹300 का डिस्काउंट, ये तो मिलना है, ठीक है। एक तो ₹300 का डिस्काउंट मिलेगा, एक डिस्काउंट और भी है। जो लोग 15 तारीख तक इस कूपन को यूज़ करेंगे, कौन से कूपन को बेटा, सिर्फ इस कूपन को ARC212, ये जो ऑफर है ये सिर्फ इसी कूपन पे है, ठीक है। अगर आप ARC212 को यूज़ करते हैं तो 15 तारीख तक जितने भी लोग इस कूपन को यूज़ करेंगे तो 15 तारीख को लाइव क्लास के अंदर इनमें से रैंडमली एक बच्चे का सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और उसे मिलेगा ₹1100 का इनाम। लो जी बेटा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि पहले तो ₹300 का डिस्काउंट यहाँ से मिल गया और ₹1100 का यहाँ पे आपके पास मौका है जीतने का। तो कितना डिस्काउंट हो गया बेटा, 1400 का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जाइए, और कोर्स परचेज करना है तो ARC212 कूपन को यूज़ कीजिए। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ, नई क्लासेस के साथ। Thank you so much.